इतने पांडू बोला तो तू बोल समय का है गणपाल बड़ा आ गया तू बोल तू कर रहे थे क्या बोला बात देख दी था अस्सलाम वालेकुम प्यारी वर्ष कैसे हैं आप उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं हमारी दुआएं हमारे देखने वाले जहां भी रहें हमेशा खुश रहें अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में हज़ारों खुशियां लाए इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि जहेज़ का सामान आया हुआ है तो हमने जो भी घर में फंक्शन हो रहे हैं या जो भी काम हो रहे हैं सारे आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं तो हमने सोचा कि जहेज़ का सामान भी दिखा दें। तो अभी ये लड़की वालों की तरफ से आया है तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। अभी ये बिस्तरे वगैरह हमने पेटी से निकाल दी हैं लिए हैं और काफ़ी सारे बिस्तरे हैं इधर भी हैं ये भी हैं और उधर सोफे पर भी हमने बिस्तरे रख दिए हैं क्योंकि उधर सोफे पे रख दिए हैं तो चार पाया भी हैं ये दो हैं एक ये है और एक ये है। तो अभी काफ़ी सारा सामान है जो उसमें पेटी में के अंदर भी है अभी जितना हम निकाल सकते थे उतना हमने निकाला है अभी ज़्यादा सामान हमने बाहर नहीं निकाला। ये देखिए ये पेटियों के कपड़े हैं कढ़ाई वाले जैसे मेरे घर में हैं और ये डिनर सेट है ये क्या है अभी हमने खोल के देखा नहीं इसमें क्या ये थर्मास है थर्मास दो हैं चाय वाले उनको पता है नशेदार चाय ज़्यादा पीता है दो थर्मास है छोटा भी है बड़ा भी और ये देखिए ये इस्त्री है और ये क्या है नेशनल मशीन है जूस वाली मशीन है और ये जग गिलास हैं जग गिलासों के काफ़ी सारे सेट हैं अभी एक दो हमने निकाले हैं और शीशे वाले भी हैं दूसरे ये भी है और वो फ्रूट चाट भी है फ्रूट चाट है ये क्या है फ्रूट चाट वाली प्लेटें सामान ये क्या है ये रोटी वाला है ये तीन है टिफिन एक मैंने बाहर निकाला है बाकी अंदर है इधर दो उधर पड़े हैं और ये सोफा भी इधर पड़ा है और इसमें और भी काफी सारे बर्तन वगैरह हैं तो ये तो सामान है सामान रखा हुआ है ये भी मेरे ख्याल जग गिलास है ऐसे ना चला ये भी शीशे वाले और ये प्लेटें हैं डिनर सेट की भी हैं ये भी हैं और ये चटील की भी हैं वैसे जो मेरे जहेज वाले चटील के बर्तन हैं ना वो अभी तक मेरे पास मौजूद हैं और ये देखो मैं कह रही थी ना छोटा थर्मोस है ये देखो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा है बस शहजाद के लिए यही काफ़ी अगर सिर्फ यही दे देते ना और कुछ भी ना देते क्योंकि शहजाद ने सिर्फ चाय पीनी होती है ऐसे माशाल्लाह कितना प्यारा है निकाल के दिखाएं ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना निकाल के दिखाती हूँ ये देखिए अब नहीं है पिंक कलर के और ये कप वगैरह भी हैं ये पतील के ना वो ये क्या है पतीले हैं तीन चार पतीले हैं क्योंकि पहले देख से हुआ करते थे लेकिन अब ना पतीलों का ज़्यादातर रिवाज है और इसमें कपड़े वगैरह हैं कपड़े हमने नहीं दिखाए इनके लिए एक ना सौ पेचर फिर वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे सूट हैं इसमें तो बाद में हम दिखाएंगे क्योंकि कुछ सामान अभी इधर भी इस पेटी में भी है वो भी बाद में हम दिखाएंगे इनकी एक और वीडियो बनेगी और ये जो मेन सामान है ना ऊपर तो वही हम दिखा रहे हैं तो ये वो कपड़े धोने वाली और सुखाने वाली दोनों हैं इसमें डब्बा लाए ऐसे ना डब्बल वाली उठाएं हेलो ये एक साइड के कपड़े धोने वाली है और एक साइड के कपड़े सुखाने वाली है और इधर ये भी है अलमारी भी है और ये बक्से भी हैं एक बक्सा ये है और एक बक्सा कल आऊंगा जब फंक्शन होगा फिर मैं कल शाम को होगे कल शाम को मैं कल शाम को बड़ा ये सामान रखवाने आए हैं जब फंक्शन होगा तो फिर मैं आ जाऊंगा ये मेरे वाइफ के बड़े मामू हैं ये इनकी वाइफ के मेरी भांजी है इस वजह से ये सामान रखने के लिए आए हैं और उधर में मेरी आप सेटिंग खुद ही करेगा और उधर मेरी देवर की जो बेटी है ना उनके हस्बैंड भी हैं ये
तो इस वजह से ये सामान रखने के लिए धराए हुए हैं। कल फंक्शन है, ओतो का फंक्शन है, आप नहीं आना, अब बेगमात को भेजना है। बेगमात कितने बैग में उनकी? वो आएंगे तो मैं भी आऊंगा। कितने बैग में आपकी? मेरी चार चार है, एक है आपको तो फायदा है, एक अगर एक बेगम भी एक करने पे 5,000 तो 20,000। वैसे ना इसका हंसी मजाक का हर वक्त ना हंसी मजाक करते रहते हैं, बूढ़ी बंदे हैं बहुत हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि काफी साल ये सऊदी अरब में भी रहे हैं, उम्रा भी करके आए हैं। मेन सामान हमने दिखा दिया है, अभी ये सूट वगैरह नहीं दिखा दिया है, आप तो बता। और जो उस पेटी में सामान है वो भी अभी हमने नहीं देखा, वो बाद में फिर उसकी वीडियो बनाएंगे। क्या अलमारी कितनी खूबसूरत है, दिखा नहीं दिखाना, मुझे सबसे ज्यादा ये वाली चीज पसंद है, चाय वाला छोटा है बस, मेरे जितनी चाय बनेगी। तो दहेज कुछ भी नहीं होता, हमने तो उनको मना किया था कि आप पेटियां बिल्कुल ना दें, क्योंकि हमारी अलमारियां हैं तो वहां पर हम सामान रखेंगे, लेकिन वो कहते थे कि जब वहां से हम सामान भेजेंगे तो कैसे भेजें, इस पेटी में सारा सामान इकट्ठा एक जगह आ तो जाएगा ना, इस वजह से उन्होंने पेटियां दी हैं, वरना सामान कुछ भी नहीं होता। तो इंसान अल्लाह ताला इंसानों का दोनों का नसीब अच्छा करे, और सब ये सारी चीज़ सामान तो सारी जिंदगी बंदा लेता रहता है, लेता रहता है, और कभी काम नहीं पड़े, काम पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हमारे मेरे जो जहेज का सामान है ना अभी तक मैं वही बर्तन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्टील के बर्तन होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, डिनर सेट वगैरह ख़त्म हो जाते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। तो सामान की हमें बिल्कुल भी हमें लालच नहीं था, हमने मना किया था कि आप ना जी ये तकिए और ये रजाएं, कितने रजाएं कब, सोफा भी है एक भाई ते पसंद आई हो क्या, नीला सिराना खट कर ये तकिए, नीला सिराना, नीला पसंद की बात का फेवरेट है ना, अरे वाले के जेपे ये इसके अंदर पैसे छुपाए हैं तो अभी इनकी सेटिंग करनी है, सामान सारा अंदर रखना है, इसमें कुछ सामान हम बेडरूम में रखेंगे, कुछ नहीं सिर्फ ये सोफा रखेंगे और बाकी का इस कमरे में रखेंगे, इस कमरे में रखेंगे एक साइड पे। तो बेड तो हमने सिर्फ बेड लिया था, आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन सिंगार मिशीशा भी है वो भी अंदर है, वो अभी आप लोगों को दिखाएंगे, वो भी उस कमरे में रखेंगे, वो जो बेडरूम है तो वहाँ पर रखेंगे। तो बेड के अलावा बाकी सामान सारा उन्होंने खुद दिया है, तो अगर बेड उन्होंने नहीं दिया ना, दो चार पाइया भी हैं, एक वो चार पाई है और ये चार पाई है, उनकी जगह दो चार पाइया भी हैं, और ये शीशे के काफ़ी सारे बर्तन हैं, क्या है ये ना, वो बेड की चादर है, क्योंकि नीचे अभी काफ़ी सारे सामान पड़े हैं वो अभी नीचे आ गए, ये बेड की चादर है, तकिए भी हैं, बेड की भी हैं, चार पहियों की भी हैं, ये सारी चादर। मैंने कहा मैं से सारा सामान निकालो, मैंने थोड़ा सा कुछ निकाला है, क्योंकि तो एक वीडियो ही बनानी है, जरूरी नहीं है कि हम सारा सामान बाहर निकाल दें, कुछ सामान निकाला है, क्योंकि पेट में काफ़ी सारा सामान है, ऊपर सामान पड़ा हुआ है ना, इस वजह से वो पेट का सामान हमने अभी नहीं निकाला, वो आएंगे जब मेरे दामाद को अभी बुलाया है, वो उधर कौन सा सामान पड़ा है इधर इसके पीछे, वो शॉपर में वो दूसरी चीज़ें पैंप वगैरह सामान तो ये देखिए ये वाली अलमारी शीशा भी लगा हुआ है, इसमें भी सामान पड़ा है, ये किसका सामान है, ये भी लाके चाह पिया गुड़िया इसकी की तरह इसमें भी सामान हो गया, ये ला के सामान
तो ये देखे सोफा बड़ा है, अंदर नहीं जा रहा, सारा खराब हो रहा है। ये अब कैसे अंदर जाएगा सोफा? कितना बड़ा सोफा दे दिया उन्होंने, अब कैसे इसको अंदर रखे? ये तो सारा टूट जाएगा। उस कमरे में रख दो मेरे कपड़े, बाहर भी नहीं निकलेगा। या बाहर कैसे निकलेगा? अंदर जाते हैं फिर बाहर। अब दरमियान में फंस गया है। अबे ना करो ना करो, इसको नीचे से फेंक दे दे, अब टूटेगा तो टूटेगा। अब वैसे भी यार अब क्या करें, विंडो से बंद हो गया, रास्ता भी बंद हो गया, वैसे भी रास्ता ही बंद हो गया है। पूरी फैमिली ने मिलकर इसको अंदर रखा है। मेरे सारे जितना इसको अंदर रखना मुश्किल हो गया, खराब हो गया सारा। तो ये देखिए अभी नदीम भाई आ गए, सारे मिल के आज काम करवा रहे। अब ये वाली अलमारी भी इधर आ गई, अलमारी आराम से आ गई है, ये सुकून से आ गई। वो उसने बहुत तंग किया सोफे, सारा खराब हो गया, उसकी शीट भी कपड़ा लगाना पड़ेगा, अब दोबारा कपड़ा लगाना पड़ेगा, सारी शीट भी खराब हो गई। तो ये देखिए अभी सारा सामान इसके अंदर रख रहे हैं पेटी के अंदर, उसमें बिस्तर रखे हैं एक पेटी में और दूसरी में अभी बर्तन अंदर रख रहे हैं, क्योंकि बाद ये अलमारियाँ नहीं बनी ना, जब ये अलमारियाँ बन जाएंगी ना तो फिर जहाँ पर लगाएंगे। ये गिलास है, ये भी सारे रख रहे गिलास में, सारे सामान भी रख रहे हैं इसके अंदर। दिखाना बंद है ये, बंद है। ये क्या है? ये भी जग है।